गोरखपुर में रिंग रोड की आधारशिला रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 फोरलेन सड़कों का शिलान्यास किया। एनएचएआई की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ ताल क्षेत्र में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में हुआ। पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ गडकरी के साथ जंगल कोडिया सोनोली, जंगल कोडिया जगदीशपुर, रामजा जानकी मार्ग पर पहुंचे। और नितिन गडकरी पहुंचे 18 राष्ट्रीय राजमार्गों से बदलेगा शहर का कायाकल्प। सर 800 करोड़ हम अमेरिका के बराबर करेंगे और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 2023 में 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए, हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जहां इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म का एक केंद्र बिंदु भी है। कुशीनगर को महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से उनके बचपन की वह भूमि जहां एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ ने अपनी पूरी दिनचर्या को आगे बढ़ाया था। 10,000 करोड़ का निवेश सड़कों का, जो आज ये अधिक जो निवेश यहां हो रहा है, एक सपना रहे हो, एक गोरखपुर खातिर, एक उत्तर प्रदेश खातिर, हमारे भारत खातिर।